तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रेनी गेम के ऊपर। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रेनी चैप्टर 2। तो गाइस, आज हम इसमें एक टारगेट रखेंगे जो रखेंगे गेट से एस्केप होने का। तो गाइस, और हमें एक दिन में इस गेम को पार करना है बिना मरे। तो गाइस, इसमें चेक करते हैं। इसमें ये हेलीकॉप्टर की पंखड़ी की टैप है जो हमारे काम की नहीं है, और इसमें कुछ मिला ही नहीं हमें। तो गाइस, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। ये गाइस, ये बोट की है जो हमारे किसी काम की नहीं है। और ये अलमारी है जो कि इसके अंदर गन रखी हुई है। इसके लिए हमें वेपन की चाहिए, जिससे हमारी वेपन खुल जाएगी। और गाइस, ग्रेनी आती होगी क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर दी है, जिसकी वजह से ग्रेनी हमारे पास आ जाती है। देखिए गाइस, डर लग रहा है, ग्रेनी आ चुकी है गाइस। तो हम भागते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर जाके तलाशी लेते हैं ऊपर क्या है क्या नहीं है। सो ग्रेनी का तो पता नहीं, इसमें चेक करते हैं क्या है। इसमें हमें ब्रांच मिल चुका है, और इस ब्रांच से जो है ग्रेनी के बच्चे के पास एक पानी होता है, वो पानी हट जाता है, जिसकी वजह से हमें गेम में थोड़ी आसानी होती है। और देखिए, हम उस पानी को बंद करने जा रहे हैं। इस देखते हैं ग्रेनी आ रही है नहीं आ रही है। फिलहाल हम ये ड्रॉर जो रखी है, इन ड्रॉर में चेक करते हैं, कुछ है नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। इसमें हमें स्टन गन मिल चुकी है, जो इससे ग्रेनी 2 मिनट के लिए सो जाती है और हम शांति से कुछ भी काम कर सकते हैं। गाइस, पहले हम ग्रेनी को यहाँ बुलाते हैं आवाज़ करके। ग्रेनी इधर ही आ चुकी है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए सुलाते हैं। गाइस, जैसे कि 2 मिनट के लिए सो चुकी है पूरी तरह से। ऊपर लिख के भी आ गया, ग्रेनी इज़ नाउ गोन फॉर अबाउट 2 मिनट्स। हम ब्रांच को अपने उठाते हैं और ग्रेनी के बच्चे के पास चलते हैं, जहाँ पर पानी है, उस पानी को बंद करने के लिए। तो नीचे जाते हैं और उसमें एक नट होता है, उससे नट कसना पड़ता है वो। गाइस, इसे करके गाइस, इसे हमने खोल दिया है और ब्रांच को हम यहीं फेंक देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। देखिए गाइस, तो गाइस वीडियो में बने रहें और वीडियो एंड तक देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम अपनी गन वापस लेते हैं और चलते हैं और तलाशी लेते हैं। इधर उधर कुछ है नहीं है, क्या पता कुछ मिल जाए हमारे मतलब का। ये ग्लास फ्यूज़ है जो हमारे किसी काम का नहीं है। और इसमें चेक करते हैं गाइस, इसमें पैडलॉक की रखी हुई है जो हमारे बाद में काम आएगी। हम आपको दिखाएंगे इसका यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। इन सब में चेक करते हैं, कुछ है नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। गाइस, ग्रेनी का पता नहीं कभी भी आ सकती है, क्योंकि 2 मिनट अबाउट हो ही चुके हैं समथिंग। कभी भी आ सकती है वो, तो वो पीछे से आके अचानक से हमला कर देती है। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है गाइस। देखिए गाइस, ग्रेनी आने ही वाली है। हमें लग रहा है थोड़ा शोर करना पड़ेगा जिससे ग्रेनी आएगी, और हम दोबारा उसे 2 मिनट के लिए सुला देंगे। गाइस, हमने सॉन्ग सुना दिया है ग्रेनी को बुलाने के लिए, बट अभी ग्रेनी को लग रहा है सॉन्ग की आवाज़ नहीं पहुंची है, या शायद वो सो के नहीं उठी है अभी। गाइस, एक बार लग रहा है मुझे दोबारा सॉन्ग रिपीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्रेनी आएगी। एक बार दोबारा साउंड चलाऊँ या नहीं, चलो दोबारा चला के देखता हूँ एक बार। अरे तो आजा, कहीं गाना गाना पड़ेगा इसके लिए मुझे। आजा तो आजा रे गाइस। ग्रेनी इस टाइम बहुत बड़ी बेशरम हो चुकी है, ये नेस्ती फैला रही है, बड़ी बड़ी सो रही है, और इसे होश नहीं है। मैं कभी भी बाहर निकल जाऊँगा। गाइस आई चुकी, इसको सुलाते हैं फिर से 2 मिनट के लिए, अपनी स्टन के एमओ वापस ले गए। और अब यहाँ मुझे क्राउड दिख चुका है, शायद मुझे क्राउड लेना चाहिए। किराव लेना क्या चाहिए, लेना पड़ेगा बॉक्स खोलने के लिए, क्योंकि जो लकड़ी के बॉक्स होते हैं वो बिना किरावर के नहीं खुलते। तो आज हम किरावर को उठाते हैं और चलते हैं बॉक्स खोलने, क्योंकि उन बॉक्सों में जो है हमारा सामान होता है, जिससे हमें बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ऐसे ही हमें कटर मिल चुका है, कटिंग प्लेजर, जिससे हम जो गेट के आगे की जो बिजली वगैरह है उससे उसकी बिजली ख़त्म करते हैं। ये हमने बिजली ख़त्म कर दी है, और इसका शायद आगे भी काम हो सकता है या नहीं भी, देखते हैं भाई। और हम क्राउड को दोबारा लेते हैं, और हमारे गेट के आगे जो है लकड़ी की फंटियाँ लगी होती हैं, जिसे हम जो क्राउडी क्राउड से हटती है। तो गाइस, इसे हम हटाएंगे ज़रा, ये लगी भी है, ये हमने हटा चुके हैं। और एक बॉक्स नीचे भी है जिसे हम बाद में ओपन करेंगे, इतने इसे यहीं फेंकते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। इसमें चेक करते हैं, कुछ नहीं है। और इनमें चेक करते हैं, इन तीनों ड्रॉर में कुछ नहीं है। फिलहाल हम सिक्योरिटी की बढ़ाते हैं। ये सिक्योरिटी की है जो एक गेट लॉक होता है वो खोलता है, उस गेट से ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ हेलीकॉप्टर का रहता है। गाइस, इसमें चेक करते हैं, कुछ है नहीं है। इसमें हमें हैंडल, डोर हैंडल मिल चुका है, ये भी हमारे काम आएगा, ऐसा हम बाद में उठाएंगे। फिलहाल तो
हम स्टन गन लेते हैं क्योंकि ग्रेनी के जगने का टाइम हो चुका है और ग्रेनी कभी भी आ सकती है। फिलहाल हम शोर करते हैं थोड़ा उसे बुलाने के लिए ताकि उसे दोबारा 2 मिनट के लिए सुला सके। गाइस हमने ये लैंप गिरा दिया है, इससे आवाज़ हो चुकी है और ग्रेनी आ सकती है। तो वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस ग्रेनी आ चुकी है, इसे सुलाते हैं और अपनी स्टन कैम वापस लेके, और अब जो है हम हैंडल लॉक को लगाने चलते हैं। हैंडल लॉक हमने उठाया डोर हैंडल को, और डोर हैंडल को गेट में लगाने के बाद हमें और भी कुछ काम करना है। फिलहाल पेड लॉक किसी गेट का लॉक खोलना है और ये हैंड व्हील चाहिए हमें, जिसके लिए गेट का जाला और जो हट जाता है। गाइस फिलहाल तो हम क्राउन उठाते हैं और नीचे का मसला देखते हैं। ये पेटी रखी हुई है, इसके अंदर कुछ सामान है। ये स्पार्क पे लगे तो ना बोट में लगता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। और गाइस सीधा हम चलते हैं ऊपर स्पीड में। गाइस मैंने इस वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और गेम फटाफट से कम समय में पार हो जाए। और गाइस पेड लॉक की उठाते हैं और डोर का जो लॉक लगा हुआ है वहाँ पर वो लॉक को खोलते हैं। ग्रेनी की मार्च रखी हुई भाई, हमने ये लॉक खोल दिया है, अब चलते हैं। हमारा सिर्फ लास्ट काम रह गया, जो रह गया है जाल को हटाना, हैंड व्हील। तो हैंड व्हील हम देखते हैं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। फिलहाल तो ये स्टूल मुझसे गिर चुका है और गन उठी नहीं रही है। ग्रेनी कभी भी आ सकती है क्योंकि ग्रेनी का जो है टाइम हो चुका है, 2 मिनट अराउंड हो चुके हैं। तो ग्रेनी जग चुकी है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिलहाल ऊपर चले जाऊँ, ग्रेनी आएगी आती रहेगी। चलो कोई नहीं, रिस्क लेते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, ग्रेनी आएगी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम देखते हैं, हमें हैंड व्हील चाहिए, इसमें देखते हैं। इसमें गाइस इसी में मिल चुका हमें हैंड व्हील, हमें और आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही सामान चाहिए था, वो सामान हमें मिल चुका है। इसे खोलने के बाद हमारा गेम पार हो जाएगा गाइस, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। अरे तेरी, इसे मैंने 3-4 बार फेंक दिया, ये गिर ही नहीं रहा। इसे दोबारा लास्ट बार ट्राई करता हूँ, गाइस अब भी रह गया, एक बार और ट्राई करते हैं। ये अब गाइस जैसे गिर चुका है, और नीचे गिरने के बाद इसमें थोड़ी साउंड हो चुका है, इसकी वजह से ग्रेनी के कानों में आवाज़ पहुंच चुकी होगी और ग्रेनी आ सकती है, नीचे ही खड़ी होगी। गाइस अभी तक ग्रेनी नहीं आई, हम गन गिराते हैं जिससे शोर हो और ग्रेनी आ जाए और हम 2 मिनट के लिए सुला दें और अपना काम पूरी तरह से समाप्त कर दें। तो गाइस ग्रेनी अभी भी नहीं आ रही है, लग रहा है मुझे ही रिस्क लेना पड़ेगा। नीचे जाऊँगा कहीं नीचे उतर दे मुझे, मानना तो शोर कर रहा हूँ बार बार, अब तो आ जा, आ ही नहीं रही है, क्या करा जाए, बैठ जाए, बैठा जाए थोड़ी देर या क्या करा जाए। देखिए ग्रेनी तो ना आने का नाम नहीं ले रही, लग रहा मुझे ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा, मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा, अब तो आ जा, लग रहा मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा। चलो नीचे चलते हैं, देखा जाएगा। ग्रेनी देखो यहाँ आस पास भी नहीं है, मुझे आवाज़ करनी पड़ेगी एक बार ताकि ग्रेनी भागी भागी आए। ग्रेनी गाइस ग्रेनी आने ही वाली है क्योंकि काफ़ी देर से शोर हो रहा है, तो अब तो उसे आना चाहिए। अब भी नहीं आई, क्या बात, कहाँ रह गई। आ गई गाइस, आ चुकी है ग्रेनी, अब इसे सुला के लास्ट बार, अब गन अपने पास रख, हमें सीधा हैंड व्हील उठाना है और जाना है सबसे नीचे। फिलहाल इसे खाली हमारा सारा काम ओके है, बस इस जाल को हटाना है गेट से बाहर निकलने के लिए। ये जो हैंड व्हील होता है वो यहाँ पर लगता है, वैसे हम राउंड कर देंगे लगाने के बाद। ये राउंड कर दिया हमने और जाल पूरी तरह से खुल चुका है। गाइस पहले हम एक बार इधर उधर देखेंगे, ग्रेनी है नहीं है, तो इधर ग्रेनी है नहीं, हम गेट खोलते हैं और दी एंड। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आपको नेक्स्ट में ग्रेनी में क्या चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके।